मैं आपको बता दूं कि कुछ टाइम पहले भी जो है मेरा भी ऑथेंटिकेशन फील्ड दिखा रहा था और मैंने उनको मेल करी थी तो उन्होंने मेरा जो पासवर्ड है उसको रीसेट कर दिया। अपना जो पासवर्ड है फॉरगेट करने की कोशिश कर रहे होते हो, फॉरगेट भी नहीं हो पाएगा क्योंकि आप देख रहे होंगे कि आपके पास जो ओटीपी भी नहीं आ रहा होगा, तो मेल कर सकते हैं जिससे जो है आपका पासवर्ड जो है रीसेट हो सके। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से जो है गुरुग्राम यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन, अगर आप भी लॉगिन कर रहे हैं और उसके अंदर ऑथेंटिकेशन फेल्ड दिखा रहा है तो दो कारण से होता है, अपने रोल नंबर गलत डाला हो या फिर आप पासवर्ड भूल गए हो या फिर आपका पासवर्ड गलत हो। ये दो तरीके से जो है ऑथेंटिकेशन फेल्ड दिखाता है और आप भी इस प्रॉब्लम को जो है फेस कर रहे होंगे। और मैं आपको बता दूँ कि अगर आप अपना जो पासवर्ड है फॉरगेट करने की कोशिश कर रहे होते हो, फॉरगेट भी नहीं हो पाएगा क्योंकि आप देख रहे होंगे कि आपके पास जो ओटीपी भी नहीं आ रहा होगा। तो क्योंकि मैं अभी आपको जो है प्रत्येक तरीके की जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से जो है गुरुग्राम यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल जीमेल के ऊपर जो है आप मेल कर सकते हैं जिससे जो है आपका पासवर्ड जो है रीसेट हो सके। और पूरी वीडियो के अंदर बने रहना, मैं आपको ए टू जेड सभी तरीके की चीज़ बताऊंगा और अभी प्रूफ बताऊंगा कि आप किस तरीके से जो है अपने जो पासवर्ड है उसको रीसेट कर सकते हैं और लॉगिन कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि कुछ टाइम पहले भी जो है मेरा भी ऑथेंटिकेशन फेल्ड दिखा रहा था और मैंने उनको मेल करी थी तो उन्होंने मेरा जो पासवर्ड उसको रीसेट कर दिया था। और फिर मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब आपका पासवर्ड रीसेट हो जाएगा तो आपको क्या पासवर्ड डालना है जिसके कारण आपका नया पासवर्ड बन सके। तो पूरी वीडियो के अंदर बने रहना, अगर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो चलते हैं। तो भाई आप देखेंगे कि जो ये ऑफिशियल वेबसाइट है गुरुग्राम यूनिवर्सिटी की, आपको इसके ऊपर जो है मेल करना होगा और मैं अब आपको बताने वाला हूँ कि आपको मेल के अंदर क्या डालना होगा जिसके कारण जो है आपका पासवर्ड जो है रीसेट हो सके। तो चलो, तो भाई देखो, आपने जीमेल देखी तो देखो सबसे पहले मैं आपको विद प्रूफ दिखाने वाला हूँ। भाई जैसे मैंने उनको बोला था कि हेलो सर प्लीज़ रीसेट माय पासवर्ड, तो वो सबसे पहले बोलते हैं कि अगर आपको कोई भी जीमेल डालनी है तो आपको अपना उसके अंदर कॉलेज नेम भी डालना होगा, कोर्स नेम भी डालना होगा, उसके अंदर आपको जो है ये भी बताना होगा आपका यूनिवर्सिटी रोल नंबर क्या है, सभी प्रकार की डिटेल जो आपको डालनी पड़ेगी जिस तरीके से मैंने इसके अंदर डाल रखी है। जब आप इस पूरी सारी डिटेल को डाल के उनको मेल सेंड कर देंगे तो वो आपको विद इन 24 घंटे के अंदर भी, मेरा तो भाई रिप्लाई आ गया था, तो आप मान सकते हैं कि विद इन 24 से 48 घंटे के अंदर जो आपका रिप्लाई आ जाएगा और वो आपको बता देंगे कि भाई आपका जो पासवर्ड है रीसेट हो गया है। और आपको जब पासवर्ड रीसेट हो जाता है तो आपको 1 2 3 4 5 डालना होता है और उसके बाद डालने के बाद जो है आपको रीजनरेट पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, उसके बाद री एंटर का ऑप्शन आएगा, उसके बाद जब आप उसको कंफर्म कर देंगे तो आपका वही जो है पासवर्ड बन जाएगा हमेशा के लिए। तो भाई ये थी कुछ आज की वीडियो, अगर आपको और भी किसी तरीके का डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऐसे वीडियो को सपोर्ट करते रहना।